26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने 27 फरवरी को वायुसेना के जरिए भारत में घुसने का दुस्साहस दिखाया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज अ पीस जेस्चर उसे रिहा कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये बयान सुनकर एक मुहावरा याद आता है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये मुहावरा इसलिए याद आया क्योंकि हमें याद है 14 फरवरी जब पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान को जैसे ही इस एयर स्ट्राइक की भनक हुई तो वो बौखला उठे, मानो किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। लेकिन तब तक हमारे जवान दुश्मनों को धूल चटा के वापस आ चुके थे। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान का एक जेट मार गिराया। अभी भारत जवाब दे ही रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आता है। पाकिस्तान दावा करता है कि भारत का एक पायलट उनके कब्जे में है। हिंदुस्तान की कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना में घुसने का दुस्साहस किया। पाक का F-16 विमान नौशेरा सेक्टर में घुसाया। जैसे ही भारतीय एयरफोर्स को इस बात की सूचना मिली, फौरन ही भारतीय जेट ने उसका पीछा कर उसे मार गिराया। इस जवाबी कार्रवाई के दौरान हमारा एक MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबर आई कि MiG-21 का पायलट लापता है। ये खबर अहम इसलिए भी थी क्योंकि इसी बीच पाकिस्तान ने दावा किया कि हिंदुस्तानी वायुसेना का एक पायलट उनकी हिरासत में है। भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर दोनों देशों में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी। पाकिस्तान की ओर से वायुसेना के पायलट अभिनंदन की जो तस्वीरें और वीडियोस वायरल की गई वो दिल दहला देने वाली थी। देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया इन तस्वीरों और वीडियोस से भर गया। ब्रिंग बैक अभिनंदन के नारों से पूरा सोशल मीडिया गूंज उठा। जिस तरह से वायुसेना के पायलट अभिनंदन ने पाक सेना के कब्जे में होने के बावजूद अपनी बहादुरी का परिचय दिया, उसकी हर तरफ तारीफ हुई। दुश्मन के कब्जे में होने के बावजूद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर ने बेखौफ होकर पाक मेजर के सवालों के बड़ी ही दिलेरी से जवाब दिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि उनका एक MiG-21 क्षतिग्रस्त हो गया है और उनका एक पायलट गायब है। अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के ऐलान के बाद भारत की तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी एयरफोर्स से मुकाबला करते हुए हमारा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद से हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। भारतीय वायुसेना इसको लेकर खुश है कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस वतन लौट रहे हैं। हम सभी को उनके वापस आने का इंतजार है।